बात इनके आपको गई हुई तो इन्हें बात तो और फिर जब इन्हें मारो कल खूब मार के हमें जो है पता कल परसों रात मारो इन्हें या कल दिन में सवेरे मात मार के मात्र है होगा जब मर गए इन्हें मार के उसे लटका दो। केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। महान रिपोर्टर शाहजहां, आपकी क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा गहमी, डालते एक निगाह। और निगोई थाने का मामला बना सरदर्द, चौक कोतवाली का कैसे बना हम आपको बताएंगे। निगोई थाना क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, लेकिन इसी बीच परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज में लेकर आए और लाने के बाद जब पंचनामे की तैयारी शुरू करी तो परिवार के लोगों ने यह कहा कि पहले रिपोर्ट दर्ज करो और उसके बाद में पंचनामा भरा जाएगा। उनका यह भी कहना था परिवार के लोगों का, निगोई की पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी तो हम मेडिकल कॉलेज में लेकर आए, जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ये कहना था परिवार वालों का। उनका ये भी कहना था कि हमारे दामाद ने मेरी बेटी को पीट पीट कर मार डाला और फांसी पर लटका दिया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें सुबह से ही चहलकदमी दिखी मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें इसी बीच परिवार के लोग उत्तेजित हो गए और रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि कुछ देर के लिए आवागमन में बाधा पड़ी लेकिन पुलिस ने हर संभव समझाने का प्रयास किया, कभी समझ गए तो हट गए और कुछ लोग नहीं समझे फिर जाम लगा दिया। यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन आपको बता दें कि 4 बजे फिर इस तरीके की हरकत की गई। हालांकि परिवार के लोगों को हर संभव समझाया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुल मिला के आपको बता दें बामुश्किल परिवार के लोगों की समझ में आया और रोड पर से हटे। पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। क्या कुछ हुआ आइए हम आपको दिखाते। दामाद का नाम अमित कुमार। क्या हुआ पूरी बात बताइए। अरे परफम से जय बताना है कौन सी बात पे इनके आपको गई हुई तो इन्हें बात तो भाई और फिर जब इन्हें मारो कल खूब मार के हमें जो है पता कल परसों रात मारो इन्हें या कल दिन में सवेरे मात मार के मात्र है होगा जब मर गए इन्हें मार के उसे लटका दो फांसी। फिर बाद में हमें फोन करो कहीं हमारे तीर फोन करो इन्हें कहीं तुम्हारे लड़की ने दवा खाई लाए लड़के के दामाद के भैया ने फोन मात्र करो कि तुम्हारी लड़की ने दवा खाई लाए। अभी कई साल हो गए शादी को 8-9 साल हो गए और दहेज की मांग करते हैं ये मांग करते हैं मोटरसाइकिल मांगा था पाँच है अब बताओ हम जो छोटे छोटे जो बच्चा पर देख कन कमा के ले है बच्चों का अंक किसका एक लड़का है उनको क्यों जाम किया ऐसी क्या बात हो गई सुन नहीं रहा है पुलिस वाला थाने में अधिकारी पुलिस सुन रहा है ससुराल वाले लोगों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी है पुलिस वाले भगा रहे हैं। किस बात के पीछे जाम लगाई आपने। अरे मेरी बहन को ससुराल वालों ने उससे मिलके मार दिया। कब मारा। परसों रात में। कौन से थाने का मामला है। ये निगोई थाना। अच्छा फिर क्या हुआ। फिर बाद में इन्होंने जब मर गई मेरी बहन तो वहाँ में मोर्चरी में रख दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने कॉल किया मेरे पापा के पास मेरी दीदी जेठ ने कहा तुम्हारी लड़की सौदा चल रहा है झूठ बोला। जब यहाँ पे आए तो मरी मिली मोर्चरी में और यहाँ पर कोई भी नहीं था उनका घर का एक भी सदस्य नहीं था यहाँ से फरार थे। तो आपने जान किस बात को लेकर लगाया है। जाम इस बार खोले के लगा है ना तो कोई प्रशासन सुन रहा ना कोई सुन रहा है यहाँ पर। क्या चाहते हो आप। कल रात हम लोग 2 बजे गए थे निगोई थाना तो वहाँ पे मेरी बाइक बदल के एक्सीडेंट हुआ चोट भी लगी पट्टी नहीं कराई रिपोर्ट वहाँ से रिपोर्ट भी नहीं लिखी रात में 2 बजे रात में फिर हम लोग भीगते हुए वापस आए। अब क्या चाहते हो। अब हम लोग चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। We'll be right back.
मनीषा राजपूत नाम महिला की डेथ हुई है, तो उनके घर वालों को आरोप है कि इन्होंने जो है मार दिया है। और इनकी शादी हुई थी सतवा में, तो वहाँ से काफ़ी दिन से 10 साल लगभग हो गए शादी को, तो अभी लड़के वालों को ये कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिया। उस संबंध में इन्होंने तहरीर दी है, उसमें ये कह रहे हैं कि मुकदमा हमारा नहीं लिखा गया, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जो है ये यहाँ पे थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ना हम आ गए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आगे, उनको समझाया गया है, ये कह रहे हैं मुकदमा हमारा लीजिए, हम सारी कार्रवाई करेंगे। तो हम आया था उनको हमें लिखने का आदेश हो रहे हैं, अभी तहरीर आ जा रही है, उसके बाद हम लोग आगे की विधि कार्रवाई करेंगे। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.